फाउंडेशन परमात्मा इसका हिलने नहीं देना। अगर हिल गया जरा भी दृष्टि वृत्ति में भी तो कभी भी कोई भी बात सामना नहीं किया, वो है सत्ता का। मन वचन कर्म की पवित्र आत्मा शुद्ध आत्मा है, कुछ भी हो मैं पवित्रता खंड करवा। इसके लिए अपने आप को इस एनर्जी को यूज करो, है सबके पास। विकारों से जन्म हुआ है, विकारी शरीर है, आत्मा को पावन बना रहे शुद्ध है, ऐसा नहीं बात कोई कहना बिल्कुल पवित्र हो गया। अटेंशन की जरूरत, आप ध्यान दो, अपवित्र संकल्प जो आ रहे हैं, जो एनर्जी कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जा रही है, नष्ट हो रही है, उसको हम बचाएं और अच्छे काम में लगाएं। है एनर्जी, रचना की एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी है, हमें प्रयोग नहीं किया तो आपके शरीर को इफेक्ट करेगी, ब्रेन को इफेक्ट करेगी। इस पवित्रता की शक्ति का सही सबके कपड़े धोए, सारे कमरों में झाड़ू लगाई और सवेरे 4 बजे उठ करके पानी की टंकी, 2 बजे उठता था पानी की टंकी गर्म करता था और बाल्टियां उठा उठा करके सब बहनों के कमरों में पानी पहुंचाता, क्योंकि रनिंग वाटर नहीं था। समय मिलता था, मुरली का डिपार्टमेंट संभालता था 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन समय मिला रोटी बना रहे हैं, समय मिला आटा गूंथ रहे हैं, समय मिला सब्जी काट रहे हैं। पूरा दिन मैं समझता हूँ उस समय उस एज में जो हमारी यंग एज थी 28-30 साल तक, सब बाबा ने सम्मान देकर सब तरह और इतना बिजी किया, कभी भी संकल्प नहीं आया ऐसा हो सकता है विकार आ सकते बनाए। ध्यान दो, अगर तन की शक्ति है बाबा के काम में लगे तो शक्तिशाली बन जाएगा, निरोगी बन जाएगा। अगर मन की शक्ति है मन मनाओ, खूब अच्छा योग करो और अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ। धन की शक्ति है तो धन को सेवा में लगाओ। पवित्रता को कायम रखने के लिए जो शक्ति है उसको यूज करो, लगाओ सेवा में। मन अच्छा है, बुद्धि अच्छी है, चिंतन अच्छा है, खूब लेख लिखो, अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी बुक बनाओ। ये नहीं जो छपेगी ये होगा वो, ये नहीं सोचो, अपना चिंतन तो कम से कम अच्छा चल रहा है। जिस प्रकार की एनर्जी है उसको अच्छी तरह से सेवा में लगाएंगे तो पवित्रता, सत्यता, निश्चय, ज्ञान और योग, अगर इसका फाउंडेशन किसी का अच्छा मजबूत है, इस ब्राह्मण जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा आ जाएगी सहज पार हो जाओगे।